जिस प्यार का वास्ता तुझे दे रही है माँ, उसी प्यार की वजह से मैंने सब कुछ किया, सब कुछ किया। जिस दिन मुझे ये पता चला कि निहाल का मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है, बर्दाश्त नहीं कर सका मैं, बर्दाश्त नहीं कर सका मैं, बर्दाश्त नहीं कर सका मैं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा डरावना सच मेरी आंखों के सामने आएगा। किससे बात कर रहे हैं आप? इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जानती हूं, इसीलिए तो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए इसके पास चली आई, क्योंकि जो मेरी बात समझ सकते हैं उनसे मैं ये बात नहीं कर पाती। वेदिका, तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा मन हमेशा रोया है, लेकिन आज इसलिए भी रो रहा है क्योंकि मैं जान चुकी हूं कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। वो मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा, अंतरिक्ष। वेदिका, आज तुमसे अपने बेटे की गलती की माफी मांगने आई हूं। वो अपने प्यार में, अपनी चाहत में इतना खो गया, इतना अंधा हो गया कि उसने तुम्हारे और ध्रुव के प्यार को नजरअंदाज कर दिया। वो निहारिका से दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें और ध्रुव को एक दूसरे से दूर कर दिया। निहारिका की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसे अपना बनाने की कोशिश में कितने रिश्ते बेगाने कर दिए, तुम्हें यहां पागलखाने पहुंचा दिया, और उधर ध्रुव, बेचारा ध्रुव तुमसे दूर होकर कितना तड़पा है। वो मेरे मन में बार 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 यही सवाल उठते हैं, निहारिका एक बहू की मर्यादा क्यों नहीं निभा पाई, अंतरिक्ष की बनकर क्यों नहीं रह पाई, क्यों हुआ ये सब? क्यों वेदिका, क्यों? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब अंतरिक्ष भैया ने मेरे साथ किया। लेकिन मम्मी जी ये क्या कह रही थी कि निहारिका किसी के प्यार में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
निहारिका इतना गलत कदम नहीं उठा सकती।